जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके जिनमें दक्षिणी कश्मीर का शोपियन और पुलवामा आता है उनमें जो है इस वक्त चुनाव जारी है, लेकिन खबर यह आ रही है कि रूहमू जो कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा का एक पोलिंग स्टेशन है वहां पर मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागा है। इस ग्रेनेड में अभी तक कोई घायल होने की सूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरीके का जो है एक और इनपुट आ रहा है कि त्राल में जो है पेट्रोल बम दागा गया है एक पोलिंग बूथ पर, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर उस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों इलाकों में जो है सुरक्षा कड़ी व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि दक्षिणी कश्मीर जो है वो हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी भी है और काफ़ी संवेदनशील है। और 3 दिन पहले जो शोपियन में एनकाउंटर हुआ जिसमें बुरहान वानी के ब्रिगेड का लास्ट मिलिटेंट कमांडर जो है लतीफ़ टाइगर वो मारा गया, तो उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी स्थिति जो है गंभीर हुई थी। और कल हमने देखा जिस तरीके से क्लैशेस हुए वहाँ पर, जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुँचाया गया और स्टोन पेल्टिंग हुई, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले ही जो है प्रशासन ने वहाँ पर सुरक्षा की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया था ताकि वहाँ पर मतदान जो है वो पुरअमन तौर से जो है वो कंक्लूड हो। यावर शफी, एएनएम न्यूज़, श्रीनगर। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।